इस प्रोसेस के साथ आप इस एयरपॉड्स को एयरपॉड्स 2 और वायर वाले हेडफोन्स को क्लीन कर सकते हैं। Hey guys, what's up? I hope you all are doing great. So welcome to my another tech vlog. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ how you can clean your AirPods. And इसके लिए कुछ करना नहीं है, just a easy process. बहुत ज़्यादा demanding video थी ये, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ. And इस process से आप अपने AirPods एंड जो ईयरफोन्स होते हैं, जो वायर वाले होते हैं, वो साफ कर सकते हैं. बट एयरपॉड्स प्रो मैंने अभी तक लिए नहीं है खुद भी, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसे क्लीन कर सकते हैं. बट एयरपॉड्स 1, एयरपॉड 2 एंड एयरफोन्स वायर वाले आप क्लीन कर सकते हैं वेरी इजीली. तो चलिए शुरू करते हैं. फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑल यू नीड इज एयरपॉड्स, 1 बॉटल ऑफ सैनिटाइजर. मेक श्योर ये सैनिटाइजर जेल वाला ना हो, लिक्विड वाला हो और 70% इसमें अल्कोहल हो. देन यू नीड अ टूथब्रश. टूथब्रश आप कोई भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर ये जो टूथब्रश हो वो सॉफ्ट हो और ज़्यादा हार्ड ना हो, जिससे आपके एयरफोन्स के आगे जो लगा होता है पार्ट उसको डैमेज ना आए. देन यू नीड 1 पेंट ब्रश. एंड ये पेंट ब्रश आप कोई भी ले सकते हो, मैंने 0.4 का लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी. अगर घर में कोई भी पड़ा है वेस्ट, यू कैन यूज़ दैट. लास्ट यू नीड 1 फैब्रिक क्लॉथ फॉर फाइनल क्लीनिंग ऑफ योर एयरपॉड्स. जैसे कि आप देख सकते हैं राइट नाउ माय एयरपॉड्स आर वेरी डर्टी एंड इस पे बहुत सारी डस्ट लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ. तो दैट्स वाई जब भी मेरे एयर्स में होते हैं, स्वेट आने की वजह से या वैसे भी हाथ लगने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं. तो अब मैं आपको इजी प्रोसेस बताऊँगा इसको क्लीन करने के लिए. पहले मैं आपको बताऊँगा हाउ टू क्लीन योर एयरपॉड्स, देन आपको मैं बताऊँगा कि एयरपॉड केस को भी कैसे क्लीन करना है. फर्स्ट यू हैव टू टेक ऑफ योर एयरपॉड्स, देन पेंट ब्रश के साथ यू हैव टू जेंटली रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयरपॉड्स लाइक दिस. आपको ये प्यार से करना है, ज़्यादा जोर से करोगे तो एयरपॉड को डैमेज हो सकता है. आराम से करना है. पहले आपको जो डस्ट होती है लिक्विड के साथ नहीं निकालनी, पहले आपको ऐसे ही रिमूव करनी है, क्योंकि अगर आप इस पे ही सैनिटाइजर लगा दोगे तो ये जो डस्ट है वो जम जाएगी, फिर निकलेगी बहुत डिफिकल्टी से. अभी ईजिली इसको ऐसे ऐसे साफ करो, आप देख सकते हैं कुछ हद तक ये ऐसे ही क्लियर हो चुका है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू टेक दिस सैनिटाइजर एंड आई हैव टू पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑन दिस टूथब्रश. ये मैंने टूथब्रश पहले यूज़ किया है दांतों में नहीं, वैसे क्लीनिंग के लिए, तो इसलिए गंदा है, आपका अपने हिसाब से रख लो. ऐसे 2-3 ड्रॉप्स लगाने हैं, ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं लगाने, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तो वो डैमेज कर सकते हैं. एंड देन जेंटली यू हैव टू डू लाइक दिस. आप देख सकते हैं जो भी गंदगी थी वो निकल के यहाँ बाहर आने लग पड़ी है. आपको धीरे धीरे करना है, ज़्यादा ज़ोर से करोगे तो ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है यहाँ पे, ये डैमेज हो सकता है. यहाँ से साफ करने के बाद यू हैव टू डू लाइक दिस, आपको आराम से यहाँ से रिमूव करना है इसको. देन यू हैव टू टेक दिस फैब्रिक क्लॉथ एंड आराम से इसको ऐसे साफ कर देना. एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये जो टूथब्रश है इसको यहाँ नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये चार्जिंग सेंसर होता है. अगर यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपकी चार्जिंग को इफ़ेक्ट हो सकता है, यहाँ से बैटरी में सीधा जा सकता है सैनिटाइज़र, तो प्रॉब्लम हो सकती है. यहाँ नहीं लगाना, बस यहीं रब करना. वन इज़ डन, नाउ सेकेंड की बारी है. नाउ यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस. अब हमें थोड़ा सा और करना है, ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा ही करेंगे इस फैब्रिक क्लॉथ एंड अच्छे से इसको साफ कर देना. कई लोग गलती करते हैं, यहाँ पे जो गंदगी होती है उसको नाखून के साथ ऐसे ऐसे खरोदते हैं, वो चीज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डेलिकेट एक जाली लगी होती है. अगर हम उस पर ऐसे ऐसे प्रेशर डालेंगे तो उससे क्या होता है, उससे आपका ये जो ब्लैक पार्ट है वो ख़राब हो जाता है, फिर जो गंदगी है वो सीधी एयरपॉड्स के अंदर जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है. अब हमारे दोनों एयरपॉड तो हो गए क्लीन, ठीक है. अब जो बारी है अब है एयरपॉड केस की. एयरपॉड केस को कैसे साफ करना मैं आपको बताऊंगा, सेम प्रोसेस है, बट इसमें आपको पहले ये वाला ब्रश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू टेक दिस एंड अब केस के हमारे यहाँ पे भी गंदगी है, देन यहाँ पे भी है. इसके अंदर नहीं है क्योंकि अंदर ज़्यादा जाता नहीं है, अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट जाता है, इसको हमने छेड़ना नहीं है, क्योंकि नीचे चार्जिंग होती है, देख सकते हैं आप, चार्जिंग के लिए बना है. तो हम यहाँ से जो क्लीनिंग है वो करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है. ईजिली करनी है,
ज्यादा इसको हम हार्डली नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो ये केस को डैमेज दे सकते। अब आपको करना क्या है गाइस, ब्रश के साथ जहाँ जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं इसको ऐसे ऐसे रब करना। देख सकते हो क्लीनिंग होनी शुरू हो गई है और ये जो वेस्ट था वो इसके अंदर चला गया है, ये आगे जा इसमें यहाँ से क्लीनिंग शुरू हो गई। नाउ यू कैन सी ये क्लीन हो चुका है। वन लास्ट टाइम वी गोइंग टू डू दिस, क्योंकि एक बार अच्छे से हो गया, अब लास्ट टाइम और अच्छे से कर लेंगे। अगेन आई एम वार्निंग यू गाइज, कभी भी ऐसे ब्रश के साथ या कोई भी ब्रश या कुछ भी इसमें इंसर्ट करके साफ मत करना, एयरपॉड का केस खराब हो जाएगा। देन जब आप एयरपॉड डालोगे इसमें देन एयरपॉड्स भी खराब हो जाएंगे। इसके अंदर कुछ नहीं डालना, यहाँ पे बस आउटडोर को ऐसे साफ करना है, एक्सटर्नली साफ करना है, इंटरनली इसके अंदर नहीं डालना। सो दिस इज हाउ यू कैन क्लीन योर एयरपॉड्स विद इन 5 to 10 minutes वेरी ईजिली। Now you can see there is no dust in my AirPods and ऐसे ही आप अपने AirPods साफ कर सकते हैं। And एक बात और आपको बता दूं guys, इसको साफ करने के बाद AirPods को साफ करने के बाद इनकी आवाज़ भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी आवाज़ कम है, लाइक नॉइज़ थोड़ी कम हो गई है गाने सुनते टाइम या वैसे भी कॉलिंग टाइम, तो आप साफ करोगे, क्लीनिंग अच्छे से करोगे, आपकी आवाज़ दोबारा इंक्रीज हो जाएगी। सो गाइज दिस इज हाउ यू कैन क्लीन योर AirPods विद इन 5 to 10 minutes एंड बहुत ईजिली अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है, एयरपॉड्स बहुत लोगों के खराब होते हैं, वो सोचते रह जाते हैं कि इसको क्लीन कैसे करना है। तो आज मैंने आपको बता दिया है कि इसको क्लीन कैसे करना है। इस प्रोसेस के साथ आप इस एयरपॉड्स को, एयरपॉड्स 2 और वायर वाले हेडफोन्स को क्लीन कर सकते हैं वेरी इजिली। एंड जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं बस वो फॉलो कर लेना, तो आपके हेडफोन्स बिल्कुल खराब नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई लव यू ऑल गाइज, हंसते वसते रहो और आप सारे उन चढ़ती कला से रखे थे खड़का।